तो बीजेपी ये मजबूत वोट बैंक जीटी रोड बेल्ट को मंत्रिमंडल विस्तार में कम से गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि सियासी मजबूरियों के चलते दलीय, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधना जरूरी है। जीटी रोड बेल्ट में शहरी की बजाय ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विधायकों को कैबिनेट में ज्यादा जगह मिली, हालांकि कैबिनेट में दो मंत्रियों के फ्रेम अभी भी खाली छोड़े गए हैं। 18 दिन बाद हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में सीएम और डिप्टी के बाद 10 और नए मंत्री शामिल होने से ये आंकड़ा एक दर्जन तक पहुंच गया है। अभी मंत्रियों के दो फ्रेम खाली हैं। पिछली हुड्डा सरकार में भी तब के सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने एक फ्रेम आखिर तक खाली रखा था, ताकि मंत्री बनने की ख्वाहिश वाले विधायक मंत्री बनने के सपने देखते रहे। खैर, सीएम, डिप्टी, 6 कैबिनेट और 4 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की इस कैबिनेट में जीटी रोड बेल्ट को क्या मिला, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दरअसल इस बार की सरकार पिछली सरकार के मुकाबले मजबूत के बजाय मजबूरी वाली सरकार है, क्योंकि इस बार एडजस्ट करना है। मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर डालें तो शहरी क्षेत्र, जो बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है, जिसे पार्टी मानती भी है, उसके हिस्से में कम आया है। ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा मिला है। अम्बाला से अनिल विज और करनाल से खुद सीएम ही शहरी क्षेत्र से माने जा सकते हैं। जगाधरी में ग्रामीण इलाका, इसी तरह पेहवा और कलायत भी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली विधानसभा सीटें हैं। करनाल से आगे जीटी बेल्ट लगभग साफ है। ये सब करना शायद सियासी मजबूरी भी रही होगी, क्योंकि जजपा निर्दलीय के साथ क्षेत्र और जातीय समीकरणों को साधना जरूरी था। बेशक अभी चेयरमैन और कैबिनेट के दो फ्रेम खाली हैं, पर मानना होगा कि इस बार हरियाणा एक्सप्रेस वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगी, यानी दिल्ली की बड़ी हुकूमत से हरी झंडी लेकर ही अब काम होगा, क्योंकि इस बार बात जैसे तैसे बनी है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।